गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेंथ क्लास। ठीक है, तो कल हमने आपको ग्रंथ के बारे में पढ़ाया था, ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया था। बेटा सिलेबस चेंज हो गया है, इसमें उतना ही पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो उतना ही लिख लीजिए और उतना ही पढ़िए। आगे नया चैप्टर डाल दीजिए, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या डालेंगे? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता होती क्या है? ठीक है, आनुवंशिकता बेटा, आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि जैसे मटर के बीज पर, मटर के बीज के द्वारा मटर के पेड़ बनते हैं, या जिस जाति का जो जीव है उससे उसी जाति के जीव का जन्म होता है, होता है ना। जैसे लौकी का बीज बोगे तो लौकी ही निकलेगी, कद्दू नहीं निकलेगा। क्यों? आनुवंशिकता के कारण। ठीक है, तो परिभाषा इसकी ये होती है कि माता पिता से संतानों में, भाई माँ बाप की जो जनरेशन है वही होगी, तो माता पिता के संतानों में पहुँचने वाले लक्षणों, इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिखेंगे, माता पिता से संतानों में पहुँचने वाले माता पिता के संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को बेटा हम मानसिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक लक्षण कहते हैं, और इनकी असमानताओं को, इनकी असमानताओं को, असमानताओं को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी असमानताओं को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, असमानताओं को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरण
अनमानसिकता कहलाता है। यह डेफिनेशन भी हो सकती है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, दोनों डेफिनेशन हो गई। अब देखिए होता क्या है कि हेडिंग डाल दीजिए अनमानसिक लक्षणों की वंशागति। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति डालिए। देखिए आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति या आनुवंशिकता का श्रेय जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। ठीक है, 1865-66 में इन्होंने प्रयोग किया था इसका। किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए ऐसे लिखिए, आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। इन्होंने आनुवंशिकता की नींव डाली। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। मटर जब लिखिएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मटर के पौधे का, पाइसम सटाइवम। मटर के पौधे को चुना। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों को चुना। कितने लक्षणों को? 7 लक्षणों को चुना। ठीक है, तो 7 लक्षणों को चुना जब, तो इन्होंने एक जब लक्षण लिया उसका एक जोड़ा लिया, विपरीत जोड़ा। ठीक है, तो एक इसी के नीचे चार्ट बना लीजिए। देखिए एक तरफ डाल दीजिए लक्षण, इधर डाल दीजिए प्रभावी, और इधर डाल दीजिए आप प्रभावी। ठीक है, शब्दावली अभी हम समझाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रभावी अप्रभावी ये सब चीजें क्या होती हैं। पहले लक्षण देखिए कौन कौन से लिए थे। जैसे इन्होंने पहला लक्षण लिया था बीज की आकृति, बीज की आकृति पहला लक्षण था, बीज की आकृति। तो इन्होंने बीज लिए थे गोल, इसका प्रभावी हमने कहा जोड़े के रूप में लिए जाएंगे जस्ट अपोजिट, तो इसका प्रभावी होता है झुर्रीदार। अगली बात समझ में, ये एक लक्षण हुआ, क्लियर समझ में आया। इसके बाद दूसरा है बीज का रंग, बीज का रंग पीला, इसका अपोजिट क्या होगा? हरा इन्होंने दिया, समझ आ रहा है। तीसरा है बीज का, बीज मतलब कवच का, जिसे आप कह सकते हो बीज पत्र, बीज के ऊपर जो कवच होता है ना उसे कहते हैं बीज पत्र या बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग। ठीक है, बीज कवच का रंग जो था प्रभावी था लाल, अप्रभावी हो जाएगा इसका सफेद उल्टा। समझ आ रहा है ना, कितने लक्षण हो गए? 3 लक्षण हो गए। इसके बाद चौथा लक्षण है फली की आकृति, तो इसका लक्षण है फूली, इसका अपोजिट हो जाएगा पिचकी। क्लियर, ये इनका चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है फली का रंग, हरा पीला।
समझ में आ रहा है ना? उसकी स्थिति ठीक है, किन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था? ठीक, तो सबसे पहला शब्द डालिए एलील या एलीलोमॉर्फी। देखिए एलील या एलीलोमॉर्फी किसे कहते हैं? एलील का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ठीक है, या विपरीत जोड़े वाले लक्षण, विपरीत लक्षण वाले मतलब विपरीत जोड़े वाले लक्षण इसमें उपस्थित हो तो उस जोड़े को हम क्या कहते हैं? एलील या एलीलोमॉर्फी कहते हैं। समझ में आ गया? डेफिनेशन लिख लीजिए आप, विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के निषेचन, नर व मादा के बीच में निषेचन कराया जाता है तो उससे इतनी लंबी डेफिनेशन ना लिखो बेटा, आप ये मत लिखिए, ये लिख लीजिए कि विपरीत लक्षण वाले जोड़े को हम एलील या एलीलोमॉर्फी कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले जोड़े, विपरीत लक्षणों वाले जोड़े को एलील या एलीलोमॉर्फी कहते हैं। जैसे जैसे ये लंबा है तो इसका बौना ये हो गया, तो ये एक जोड़ा क्या हो गया? एलील हो गया, एलीलोमॉर्फी हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टाइम ला लीजिए शंकर, बट ये टॉपिक कल रहेगा, इतने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, हम वही आपको लिखा रहे हैं जो एग्जाम में आने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट जरूर तैयार करिए। ओके, गुड नाइट।